अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपनी वैनिटी बॉक्स में क्या क्या रखती हूँ, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकअप। तो मेरा एवरीडे मेकअप भी वही होता है ऑलमोस्ट, तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, और अभी इस वक्त जो मैं रेडी हुई हुई हूँ, मैंने क्या क्या यूज़ किया है अपने मेकअप। ओके, तो सबसे पहले मैंने एरोसो ब्यूटी के इस एडवांस्ड रिन्यूअल सीरम के साथ अपनी स्किन को प्रेप किया। मैंने कोई प्राइमर नहीं यूज़ किया, जस्ट इसके 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने लगाए हैं, और मेरी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी हो गई, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक बहुत अच्छा मॉइस्चर भी आ गया। सो इसके बाद मैंने क्या लगाया, ये रेवोल्यूशन का C7 जो कंसीलर है मिनी सा, ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसको ख़रीदा हुआ था, एंड दिस इज सीरियसली गुड। ये बहुत अच्छी कवरेज देता है। इसको मैंने अंडर आइज पे लगाया, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी डार्क स्किन हो रही है वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, ताकि बेस मेरी जो है वो बहुत फ्लॉलेस बने। नेक्स्ट पे माई मोस्ट फेवरेट स्टिक, एंड दिस स्टिक इज क्रेलॉन। इतनी ज़बरदस्त है ना, मैं आपसे कहती हूँ आपने प्रोफेशनल मेकअप करना है, आपने डेली में करना है, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए होती है तो आप इसको यूज़ करें। FS45 शेड में यूज़ करती हूँ इसका, और ये अब मैं आपको दिखाऊँ तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन इसने अपने पैसे पूरे किए। मैंने इसे 2021 के एंड पे ख़रीदा था, मैंने इसे शादियों पर लगाया, ईदों पर लगाया, और सिर्फ मैंने नहीं लगाया, फैमिली को भी इससे तैयार किया, और मेरा ऑलमोस्ट डेली यूज होता है इसका। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग चलती है, बहुत अच्छी कवरेज देती है, इट्स वेरी गुड, आई लव इट। और अगर हम फेस पाउडर की बात करें तो क्लेसोना का ये जो 07 येलो सैंड है, क्योंकि मुझे बहुत फेयर कलर नहीं पसंद, तो मैं अपनी टोन में ही रहती हूँ और उसको भी बस नीट करती हूँ। सो ये जो फेस पाउडर है ना, आई यूज इट, ये बहुत अच्छी कवरेज देता है, और इट्स टू वे, आप इसको गीला करके वेट करके यूज करें तो ये पैनकेक की तरह भी आपको कवरेज दे सकता है, बट मैं इसको ऐसे ही यूज करती हूँ, इट्स ऑसम। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर ब्लशन की, तो ब्लशन मैं यूज करती हूँ, ये टीवी पॉलर का मेरे पास था, काफी टाइम से, और ये इतना ढीठ है ना, अभी तक ये खत्म नहीं हो रहा। मैं इसका जो है ये ऑरेंज कलर आप देख रहे होंगे, ये ऑरेंज कलर मैं इसका बहुत यूज करती हूँ, मुझे कि बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर ना पिगमेंटेशन बहुत आता है, और बहुत अच्छा एक शिमर और शाइन जो है ना, आपको हाईलाइटर की जरूरत नहीं पड़ती, ये ब्लशन कम हाईलाइटर है। सो आई यूज दिस। दिस वन इज मॉडल्स प्रेफर्ड, ये मॉडल्स प्रेफर्ड की एक किट है, इसके अंदर ब्रॉन्जर्स भी थे, ब्लशन भी थे, लिपस्टिक्स भी थी। सो ये बाकी तो सारी चीजें मैंने यूज करी है, लेकिन आयशा तो क्योंकि मैं कम यूज करती हूँ, बट आई शेडो में ये कलर्स आई लव देम, और ये मुझे बाहर से आई थी, सो आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान से मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी। इसके बाद एम्ब्रिज का ये जो एक बहुत ही खूबसूरत सा डस्ट स्पार्कल्स हैं, ये शेड है 7 स्पार्कल्स शेडो, ये मैं यूज करती हूँ। अभी भी आपने मेरी आंखों पे देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा शिमर आ रहा है, तो ये इसकी वजह से ये मैंने लश लुमिनिया स्टोर है वहां से ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आप सब लोग मुझसे आंखों की खूबसूरती, पलकों की खूबसूरती का राज पूछ रहे थे, तो दिस इज द सीक्रेट, ये वाटर प्रूफ मस्कारा है पेस्टल प्रोफेशनल्स मेकअप का, और इट्स रियली रियली अ हेवन फॉर मी, बहुत अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी जो है ना डेफिनेशन आती है, और वॉल्यूम बहुत अच्छा देता है आपके आईज को। सो मैं इसे यूज करती हूँ ऑलमोस्ट रेगुलरली, लेकिन ये 6 मंथ से ज्यादा हो गया, बीच में मैं एवरेज का भी यूज कर लेती हूँ, जिस दिन मेरा दिल होता है कि इजीली मैं वॉश कर लूँ तो मैं एवरेज वाला यूज कर लेती हूँ, वैसे ये मैं यूज करती हूँ, और जब मुझे अच्छा वॉल्यूम चाहिए होता है, बहुत ज्यादा अच्छा वॉल्यूम। ये रिवाज की शेड 36 ग्लोसी लिपस्टिक है, और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, इससे लिप्स हाइड्रेट होते हैं और बहुत एक शाइनी ग्लोसी लुक आता है। सो मैंने आपको बताया कि ये वाला सारा मेकअप है जो मैं यूज कर रही होती हूँ, और इसके अलावा भी मेरे पास काफी सारा मेकअप है, लेकिन ये वो मेकअप है जो मैंने कहीं ट्रैवल करना हो तो मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर गुड मस्कारा और बेस और पाउडर एज वेल एज ब्लशन प्लस लिपस्टिक, तो मेरी रिकमेंडेशन अगर मुझसे पूछेंगे तो इस वक्त तक तो यही है, आगे आपकी मर्जी है, प्लस मेकअप लेते हुए अपनी स्किन टाइप को जरूर मद्देनजर रखा करें। और अगर इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए मजीद कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच।